नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। कैसे सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा भजन कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना, इस भजन को हारमोनियम पे बजाना बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे समझोगे तो आप लोग बड़ी आसान तरीके से इस भजन को हारमोनियम पे बजा लोगे। और वीडियो शेयर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पे प्रेस कर लेना। तो आओ वीडियो शेयर करते हैं। इस भजन को हम आपको पहले काली से हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक बार देख लो कि इस पूरे भजन में कौन कौन से सुर लगेंगे, यानी कि ये भजन कितने सुरों में बजेगा। इस भजन में सा लगेगा, शुद्ध रे लगेगा, कोमल गा लगेगा और शुद्ध गा भी लगेगा, और मा लगेगा, पा लगेगा, धा लगेगा, और मंद्र सप्तक में कोमल नी और शुद्ध धा। बस इतने ही सुरों में पूरा भजन बजेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस भजन की स्थाई का पार्ट, उसके बाद देखेंगे आंतरे का पार्ट। इस भजन की स्टार्टिंग आपकी सा से हो रही है, ये भजन सा से आपका बजेगा। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तो सबसे पहले इस लाइन का नोटेशन देखेंगे कि इसको कैसे बजाना है। कभी कभी पहले देखेंगे कभी में कौन कौन से सुर लग रहे हैं। सा सा धा, कभी में आपको सा को दो बार बजाना है, धा को एक बार, ये आपका बज जाएगा कभी। फिर इसके बाद कभी राम राम, अब राम में कौन कौन से सुर लग रहे हैं, राम में आपके सुर लग रहे हैं धा सा राम, राम में आपके सुर लग रहे हैं धा सा राम, तो आपका इतना कंप्लीट हो गया। कभी राम, फिर बने के, अब बनके में कौन कौन सुर लग रहे हैं, बनके में आपके सुर लग रहे हैं रे मा गा, बनके में आपके सुर लग रहे हैं शुद्ध रे मा और कोमल गा, ये आपका बज जाएगा बनके, देखना बने के। तो ये आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई, कौन सी, कभी राम बने के। फिर इसके बाद कभी श्याम बने के, फिर है कभी श्याम बन के, ये भी लाइन आपकी सेम एक ही प्रकार से बजेगी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये दो लाइनें सेम एक ही प्रकार से बजेंगी, सारे सुर एक ही लगेंगे, देखना कभी राम बने के कभी श्याम बने के। फिर इसके बाद चले आना, चले आना, अब चले आना में आपके कौन कौन सुर लग रहे हैं, देखना चले, अब चले, पहले चले का सुर देखेंगे कि चले में कौन कौन से आपके सुर लग रहे हैं, उसके बाद क्या आगे का, चले में आपके सुर लग रहे हैं गा रे सा गा रे सा, चले में आपके सुर लग रहे हैं कोमल गा रे सा, ये आपका बच जाएगा चले, देखना चले आना आना, अब आना में आपके कौन कौन सुर लग रहे हैं, आना में आपके सुर लग रहे हैं सा रे सा, इसमें आपके सुर लग रहे हैं सा रे सा कोमल नी, ये आपका बच जाएगा आना, देखना आना। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना, अब इसमें आपके कौन कौन से सुर लग रहे हैं इसका नोटेशन देखेंगे, कहाँ से, मन सप्तक की कोमल नी से, देखना प्रभु जी प्रभु जी, अब प्रभु जी में आपके कौन कौन सुर लग रहे हैं नी नी सा, इसमें आपके सुर लग रहे हैं प्रभु जी में आपके सुर लग रहे हैं नी नी को दो बार और फिर सा, ये आपका बज जाएगा प्रभु जी, फिर चले आना चले आना, अब चले आना में आपके कौन कौन सुर लग रहे हैं, आपके सुर लग रहे हैं रे गा रे सा, चले आना में आपके सुर लग रहे हैं शुद्ध रे कोमल गा फिर रे फिर सा, ये आपका बज जाएगा चले आना चले आना। तो ये आपकी अस्थाई की लाइन कंप्लीट हो गई, देखना कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये आपकी अस्थाई की लाइन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे इसके आंतरे की लाइन को, किसके आंतरे की लाइन को कैसे बजाना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी सी कमेंट भी कर दो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट जरूर करो। तो आओ अब देखते हैं इसके आंतरे की लाइन को, इसका आंतरा कहाँ से बजेगा, इसका आंतरा बजेगा आपका पा से, देखना तुम राम रूप में आना।
अब इस लाइन का नोटेशन देखेंगे बहुत ही स्लो तरीके से ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तुम पहले तुम का नोटेशन देखेंगे, तुम में कौन कौन से सुर लग रहे हैं। जो तुम शब्द है ये आपका खाली पा पे ही बजेगा, पा को आपको दो बार बजाना है, देखना। पापा तुम, पापा तुम, फिर इसके बाद तुम राम, फिर इसके बाद है राम। अब राम में कौन कौन से सुर लग रहे हैं, राम में आपके सुर लग रहे हैं पा धा पा, राम में आपके सुर लग रहे हैं पा धा पा, ये आपका बज जाएगा राम, देखना। तुम राम, फिर रूप में, रूप में। अब रूप में आपके कौन कौन से सुर लग रहे हैं, रूप में मागरेगा, रूप में जब आप बजाओगे तो यहाँ पे दोनों गा का प्रयोग किया गया है, देखना। मागरेगा, मा शुद्ध गा, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, ये आपका बज जाएगा रूप में, देखना। रूप में, फिर इसके बाद आना, आना। अब आना में आपके सुर लग रहे हैं रेसा, आना रेसा, एक बार दोबारा देखें। तुम राम रूप में आना, फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है सीता साथ लेके, धनुहा हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये लाइन सेम आपकी उसी प्रकार से बजेगी जैसे आपने प्रथम वाली लाइन बजाई थी, कौन सी, कभी राम बनके कभी श्याम बनके, उसी प्रकार से ये भी लाइन आपकी बजेगी। और इसके आगे के जितने भी आंतरिक लाइनें हैं सारी आंतरिक लाइनें सेम इसी प्रकार से बजेंगी, इसलिए मैंने खाली आपको एक ही अंतरा बताया हुआ।